नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा में पिछले दो दिनों से तावते तूफान की तबाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है तथा बारिश के कारण जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखा तकरीबन 2000 क्विंटल किसानों का गेहूं खराब हो गया और उसे देखने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार भी प्रकृति की मार का बहाना बताते हुए मामले पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा पहले ही बारिश की चेतावनी दी गई थी, फिर भी जिम्मेदार नहीं समझे और खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में अब लोगों को तावते तूफान की तबाही की मार भी झेलनी पड़ रही है। देश भर में जहां बीते दिनों तावते तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में रीवा जिले में तूफान की तबाही देखने को मिली, जहां जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखा किसानों का तकरीबन 2000 क्विंटल गेहूं बरसात की मार से खराब हो गया और उसे देखने वाला कोई नहीं रह गया। बताया जा रहा है कि बीते दो दिनों से लगातार रीवा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते खरीदी केंद्रों में रखा किसानों का गेहूं खराब हो गया। वहीं मामले पर जिम्मेदार भी प्रकृति की मार का हवाला देते हुए मामले पर अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल जिले के अधिकांश हिस्सों में खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं खुले में रखा गया था, जिसकी वजह से बारिश में गेहूं सड़ गए। किसानों की माने तो खरीदी केंद्रों में हमेशा ही अव्यवस्थाओं का आलम होता है तथा प्रशासन के द्वारा खरीदी केंद्रों में टिन शेड की व्यवस्था भी नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमेशा ही किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से तावते तूफान की तबाही ने किसानों को परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि बारदाना की कमी होने के कारण कई खरीदी केंद्रों में किसानों का गेहूं जमा हो गया था और दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो चुका है। इस तरह प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते शासन को लाखों रुपए का चूना लग चुका है। ये दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, कुछ किसानों का, कुछ आपकी खरीदारी केंद्र में जो रखा हुआ गल्ला भींगा हुआ है, किस प्रकार से? इसमें क्या है कि ये आंधी तूफान और बारिश दो दिन से लगातार चल रही है और जो शासकीय माल तौला जा चुका है वो तो शेडों के अंदर रखा हुआ है, कुछ फत्ती भी लगा दी गई है समितियों द्वारा, कुछ ट्रैक्टर में माल किसानों के तिरपाल लगे हैं, कुछ थोड़ा बहुत तिरपाल जो है कमजोर थी उसमें पानी चला गया है तो उसकी व्यवस्थाएं किसानों के द्वारा की जा रही है और दूसरे बोरों में पलट करके उसकी तुलाई होगी। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।